श्री महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण में, दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं। नीम के पेड़ का ही मांग भर कर मंगल सूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र, नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाती। 64 योगिनी घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज, वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के, समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का, एक मन का भी अगर जपा है, शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है। उस मंत्र का शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणें करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मन का भी फेरा जाए तो उसका पुण्य 1000 गुना प्राप्त हो जाता, आप रूप प्राप्त होता। आप जिस पुण्य को करना चाहे, मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे आप 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, 1000 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है। शिव जी का पहला पार्वती के साथ अवतार है काल और काली, महाकाल और महाकाली पहला होता है। कभी मौका लगे देवी आराधना का सुख पाइए। नींबू को काटकर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापिस नहीं।